हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लक्की के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन को अच्छी तरह से जानते हैं, उसका डिफिनेशन क्या होता है, उसका क्या क्या यूजेज है। लाइफ स्टॉक का मतलब होता है पशुधन, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन, दोनों मिलकर बना है पशुधन उत्पादन। दोनों को हम लोग किस तरह से इसका डिफिनेशन कर सकते हैं। एनिमल्स सच एज कैटल एंड शीप बीच आर केप्ट ऑन ए फार्म आर रेफर टू एज ए लाइव स्टॉक। कहने का मतलब हुआ कि मवेशी और भेड़ जैसे जानवर जिन्हें खेत में रखा जाता है उन्हें पशुधन कहा जाता है। कहा जाता है पशुधन मतलब लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे ICER हुआ, BHU हुआ, SRF हुआ, JRF हुआ तथा भिन्न भिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन फ्लड रेफर्स टू, कहने का मतलब हो कि ऑपरेशन फ्लड का तात्पर्य ऑप्शन ए फ्लड, ऑप्शन बी मिल्क प्रोडक्शन, ऑप्शन सी कंट्रोल सॉइल इरोजन, ऑप्शन डी न्यूक्लियर वारफेयर कंट्रोल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन का जो लॉन्च हुआ था 13 जनवरी 1970 ईस्वी को, और ऑपरेशन फ्लड का जो लैंडमार्क था इंडिया नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB, यह जो था भारत का सबसे बड़ा डायरी प्रोजेक्ट। चलिए दोस्तों हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। द लार्जेस्ट कैटल फेयर इज हेल्ड राइट, सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन ए पंतनगर उत्तराखंड, ऑप्शन बी पर्वतसर राजस्थान, ऑप्शन सी हरिहर एरिया सोनपुर बिहार, ऑप्शन डी सिकोहाबाद UP। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी हरिहर एरिया सोनपुर बिहार। बिहार एशिया का सबसे बड़ा मेला आयोजित करता है। यह मेला जो कार्तिक पूर्णिमा कहने का मतलब हुआ कि फुल मून के दिन आयोजित किया जाता है। हरिहर एरिया सोनपुर जो एक नॉर्दर्न बिहार के तरफ स्थित है। सोनपुर एरिया जो एक होली पवित्र मतलब पवित्र नदी के किनारे बसा हुआ वो नदी है गंगा और गंडक। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। द काउज ऑफ पिका डिजीज इज, पिका रोग का कारण क्या है। तो ऑप्शन ए विटामिन के डिफिशियंसी, ऑप्शन बी जिंक डिफिशियंसी, ऑप्शन सी फास्फोरस डिफिशियंसी, ऑप्शन डी आयरन डिफिशियंसी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी और डी दोनों, जिंक डिफिशियंसी और आयरन डिफिशियंसी। जिंक डिफिशियंसी और आयरन डिफिशियंसी के कारण पिका डिजीज होता है, जो मोस्टली देखा गया था इन प्रेग्नेंट वुमेन और स्मॉल चिल्ड्रेन में। पिका डिजीज जो पाया जाता है दूसरे जानवर में कॉमनली पाया जाता है जो डॉग और कैट में। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। डॉक्टर वी कुरियन इज रिलेटेड टू विच फील्ड, डॉक्टर कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए मिल्क प्रोडक्शन, ऑप्शन बी एनिमल हस्बेंड्री, ऑप्शन सी सीरियल प्रोडक्शन, ऑप्शन डी फिश प्रोडक्शन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए मिल्क प्रोडक्शन। डॉक्टर वी कुरियन को जो कहा जाता है फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। डॉक्टर वी कुरियन का जन्म हुआ था 26 नवंबर 1921 ईस्वी को और उनका मृत्यु हुआ था 9 सितंबर 2012 को। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इम्यूनिटी इज काउज बाय, इम्यूनिटी का कारण है क्या है। तो ऑप्शन ए लिम्फोसाइट्स, बी बायसोफिल्स, सी यूसिनोफिल्स, डी ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का मतलब हुआ WBC, और WBC उसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल। और वाइट ब्लड सेल जो हुआ दो प्रकार का होता है, एक बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। चलिए दोस्तों नंबर क्वेश्चन 6 करते हैं। ऑंगोले इज ए ब्रीड ऑफ, ऑंगोले की एक नस्ल है। तो ऑप्शन ए काऊ, ऑप्शन बी बफेलो, ऑप्शन सी गोट, ऑप्शन डी कैमल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काऊ। काऊ का दूसरा नाम हुआ नेरोली के नाम से जाना जाता है। यह जो सबसे पहले पाया गया था एक नेलोरी डिस्ट्रिक्ट में, और अंगोली ब्रीड जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। चलिए दोस्तों नंबर क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। मेनली ड्राउट ब्रीड ऑफ कैटल इज, मुख्य रूप से मवेशियों की नस्ल है। ऑप्शन ए गिर, ऑप्शन बी साहिवाल, ऑप्शन सी अमृतमहल, ऑप्शन डी कनक्रेज। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, गिर और साहिवाल। गिर और साहिवाल
दोनों ब्रीड जो है जेनू ब्रीड के नाम से जानते हैं, जेबू ब्रीड। गिर और साहिवाल जो दोनों जेबू ब्रीड से जानते हैं। साहिवाल का साइंटिफिक नेम हुआ बोस्ट्रस बोस्ट्रस एंडिकस, और गिर का जो क्लास गिर का साइंटिफिक नेम हुआ बॉस प्रिजीनियस एंडिकस प्रिमिजीनियस। साहिवाल सबसे ज्यादा करके पाया जाता है। दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। सीरी मोस्टली फाउंड इन, सीरी ज्यादातर पाया जाता है। ऑप्शन ए दार्जिलिंग, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दार्जिलिंग। सीरी एक गाय का प्रजाति है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, मैकेनिज्म ऑफ हीट टॉलरेंस इज फाउंड इन, ताप सहिष्णुता का तंत्र निम्नलिखित पाया जाता है। द ऑप्शन नंबर ए गोट, ऑप्शन नंबर बी बफेलो, ऑप्शन नंबर सी काउ, ऑप्शन नंबर डी फिश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी बफेलो। बफेलो का साइंटिफिक नेम होगा बुबाइलस और बुबाइलिस। बफेलो का जो गेस्टेशन पीरियड होता है 281 से लेकर 334 दिन तक। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। बफेलो मीट कंटेन व्हाइट फैट एज, भैंस के मांस में सफेद वसा होता है। ऑप्शन नंबर ए कैरोटीन कन्वर्टेड टू विटामिन ए, हो जाएगा ए छूट गया, आरबीसी। ऑप्शन सी जैंथोफिल डोमिनेंट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कैरोटीन कन्वर्टेड टू विटामिन ए, बीटा कैरोटीन जो कन्वर्ट हो गया विटामिन ए में, और बीटा कैरोटीन जो पाया जाता है मुकोसा में, इंटेस्टाइनल मुकोसा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।